बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं। आज ज़रा अपनी बेगम साहिबा का इंटरव्यू करेंगे। से हेलो। हेलो, बाय बेगम, बाय। असल में जब लैंग्वेज ना आती हो बंदे को, तो ये हर किसी को भाई भाई बोलती हैं। बहरहाल, इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। असल में एक साल से तो आपको पता है ट्रैवलिंग वगैरह बिल्कुल बंद है। कहीं बाहर भी अगर जाने की कोई प्लानिंग करते हैं तो वो उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल ट्रैवल वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो सका है। नो, आई डोंट वांट टू गो टू कनाडा, आई वांट टू गो टू टर्की एंड आई वांट टू सेटल ओवर देयर। तो फ्रेंड, ये तो कहती हैं कि मैंने कनाडा नहीं जाना, बल्कि मैंने तो टर्की जाना है। वैसे तो टर्की अच्छे कंट्री है अगर आपकी कोई इनकम की अपने रिसोर्सेज हों, लेकिन असल चीज़ है कहीं पे भी जाना, उसकी ख्वाहिश करना एक अलग चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ जिसकी ज़रूरत, जिस पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, वो है लैंग्वेज। तो मैं अपनी बेगम से पूछता हूँ, इन्होंने जाना तो है, बड़ी इनकी ख्वाहिश है कि भाई टर्की चले जाएँ, वहाँ जाके सेटल हो जाए। वैसे घूमने फिरने के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सेटल होना है तो फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी आपको, जिस कंट्री भी जाना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या तैयारी की, ज़रा इनसे पूछते हैं। आई एम लर्निंग द टर्किश, जस्ट लाइक मेराबा, ग्रोसरोस, एंड देन आई कीप वाचिंग मूवीज इन द यूट्यूब एंड ड्रामास, जस्ट लाइक स्मॉल। दोस्तों, असल में एक्चुअली आपको मैसेज ये देना था कि आपने कहीं भी जाके सेटल होना है तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छे से उसकी तैयारी करें, उसके बाद कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। तो ये वीडियो छोटी सी आपको कैसी लगी, वीडियो देखने का शुक्रिया।